हेलो दोस्तों, मैं एक नए वीडियो के साथ फिर वापस आया हूँ आप लोगों के पास। और ये वीडियो बिल्कुल अलग है, कुछ नया जो आपकी ज़िंदगी में होते आया है और शायद ऐसे चीज़ें होती रहेगी। और मैं जिस बात का बात कर रहा हूँ वो है निकनेम्स का। निकनेम्स या फिर जो नाम जो हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारे दोस्त लोग जो हमें बुलाया करते हैं, उस नाम के बारे में। वो नाम को मैं जिस हॉस्टल में रहता था, सेंट इग्नेशियस हॉस्टल साहिबगंज, वहाँ प्यार से हम उस नाम को बहाना बोलते थे। बहाना आप तो एक्सक्यूजेस समझेंगे, लेकिन ये बहाना जो था वो नाम था जिससे लोग हमें बुलाया करते थे। और बहाना का खासियत यह था कि आप भले ही कोई आदमी का रियल नाम भूल जाओ, लेकिन बहाना कभी नहीं भूलोगे। तो जब भी बड़े भैया लोग वापस आते थे हॉस्टल, तो जब वे पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है या फिर कैसे याद करो कि तुम कौन हो, तो हमें अपना नाम बताने पर वे नहीं पहचानते थे। वे कहते थे कि बहाना बताओ। तो वही चीज़ आज निकनेम्स, तो वही निकनेम्स ऐसे ही नहीं बनते थे, उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। लाइक निकनेम्स में कुछ होते थे जिनका निकनेम्स इसलिए पड़ता था क्योंकि वो जो काम करते थे उसके हिसाब से पड़ता था। तो उस बहाने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोल रहा था, तो वो हो सकते हैं जैसे पहला कि आप जो काम करते हो शायद आप बहुत लेज़ी हो, तो लेज़ी होने से शायद आपका नाम लेज़ी पड़ सकता है। फिर दूसरा होता था हेरिडिटरी होता था, लाइक मेरा भैया का नाम कुछ था तो वही नाम हमको भी मिला। अगर एग्जांपल दूँ तो अगर अगर मेरा बहाना डालडा है तो मेरा जो भाई है उसका भी डालडा नाम हो जाएगा। फिर कुछ मीनिंगलेस भी होते थे जिनका कोई आप समझ भी नहीं सकते हो, ऐसे ही दिया गया है जैसे। और फिर फोर्थ में आपका ड्रेसिंग हैबिट्स हो सकता है, जैसे कि आप बहुत फुल पैंट पहनना पसंद करते हो, आप फुटबॉल खेलने भी फुल पैंट में जाते हो, तो वो हुआ एक। फिर आपका इंसिडेंट्स आपके साथ जो हुआ हो तो उसके हिसाब से भी होता है। कभी आप गिर गए हो उसके चलते भी शायद आपको गिरल बोला जाए या कुछ ऐसे। फिर कलर, कोई काला हो फिर कोई गोरा हो, गोरका, ये सब तो कॉमन है, कलवा फॉर एग्जांपल, कुछ भी। फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड से भी हो सकता है कुछ, टूडू से टुडवा हो सकता है। एंड देन ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड लाइक खदान। एक दोस्त था मेरा जो खदान एरिया से था, तो बड़े भैया लोग प्यार से खदान बुलाया करते थे। और फिर आपका जो फिजिकल लुक है, अब जैसे मोटा पतला ये तो होते ही रहता है, नॉर्मल चीज़ें। तो फिर अलग है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स मतलब इतना डे कैरेक्टरिस्टिक है इंसान का, मोटा पतला लंबा चौड़ा कुछ भी, इतना कुछ है। तो ये सब हुआ करते थे। तो आज स्पेशली मैं इस वीडियो को बनाया हूँ ताकि हमारे जो हॉस्टल्स में हुआ करते थे बहाना, उस बहाने के बारे में फिर आपको याद दिलाऊं। और शायद ये बहाना जो हॉस्टलर्स होंगे उनको याद आएगा। और अगर गलती से आपका बहाना लास्ट तक छूट जाता है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो जिस से स्टार्टिंग में मैं जो देख रहा हूँ वो है शंकर, जिनका भी नाम है आपको याद ही होगा। मैं अभी जो भी बहाना है उनको डायरेक्ट रीड आउट करते जाऊँगा, और मुझे यकीन है कि जिनका भी बहाना आएगा वो ज़रूर मुस्कुराएंगे। और जैसे मैंने कहा था, अगर छूटा हो तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। शंकर, उसके बाद फुल पैंट, चुटिया, डेविड, तमाकू, खदान, गोरिल्ला, पुसी, बकरी, तत्तर, गुरी मांदी, भालू, जमपुर, धदरेहटा, पगला, सुकरी, बूल, डांगरा, राजू, लालटेन, गुंडू, नंडी, पेट्रोमैक्स, डालडा, ओटू, गुंडा, एसडी, एसडी शॉर्ट फॉर्म है, जिनका भी है आप जान रहे हैं क्या है। फिर चपड़े, चेडे, जारो, कौवा, चाचू, पुटूस, पाल्टोन, लट्टू, बांके, बातूस, आतंकवाद, कोडे, रमू, हथियार, पोल्ट्री, खटमोस, रोगा बॉय, वैम्पायर, न्यूट्रल, ओनिडा, बासी, कमलू, कडरू, रोट्टे,
जिंगली, एलडी, एलडी फिर शॉर्ट फॉर्म है, जिनका भी है वो जान रहे हैं। मंड्रो, मच्छी, डन, उसकी, मॉस्किटो, बोडगा, कल्लू, छुमुक, टिनटिन, चिंपांजी, अल्लू, अलूतू, पुटूर, गदूर, वाटरमेलन, कुंजडी, डिंपल, ममू, गेजो, डब्बे, गरुड़, लट्ठा, फिर है शैतान, साइंटिस्ट, गणियोपोन, गणी, चाइनीज, टिक्सी, पादरी, चोपोय, एलियन, लादेन, ओबामा, सिया, दद्दू, ओथ्री, मज्जू, एंड बाकी कुछ भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही। और काफ़ी सारे जितने भी हॉस्टल में रहते थे फादर्स ब्रदर्स, उनका भी बहाना हुआ करता था, लेकिन उनका बहना बहाना मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। शायद आप जो स्पेशली हॉस्टल्स में हैं उनको शायद याद होगा। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।